Hello everyone, welcome to Paramedical Institute of Harish Hospital. Today's our topic is about conductor, insulator and semiconductor. First of all, what is the conductor? Conductor kya hai? Conductor, the substance in which electric charge are freely move kare jisme, that is called conductor. It means suppose the example is copper, ठीक है ना? This is the conductor. Suppose करिए कि ये substance है जिसका copper का. तो the copper is made of the atom of the copper, है ना? Is very nearly, ठीक है ना? एक दूसरे से बिल्कुल क्या होता है ये? उसके substance बिल्कुल attached होगा. Then what happens कि ये आपका जो इसमें एटम्स में है ना जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है दैट इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा कोवलेंट बैंड बनाएगा दैट कोवलेंट बैंड जो है नियर बाय जो आपके एक दूसरे से जो रिलेटेड एटम्स है एंड आल्सो दिस वन ठीक है ना तो इसमें क्या हुआ इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनाया तो कोवलेंट बनाने से जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज क्या हुआ एक तरीके से नियर बाय हुआ एक दूसरे के तो जो चार्ज है इसमें ठीक है ना जो कॉपर का जो सब्सटेंस है इसमें जो चार्ज होगा दैट मूव्स फ्रीली दैट इज कॉल्ड कंडक्टर क्लियर नाउ द सेकंड वन इज दैट द इंसुलेटर अबाउट इंसुलेटर वी कैन से दैट इंसुलेटर द सब्सटेंस इन विच द चार्ज डू नॉट मूव फ्रीली दैट इज द चार्ज do not move freely, ठीक है ना? तो do not move freely, that is what insulator, clear? तो another topic is that the semiconductor, that is the semiconductor. Semiconductor means क्या होता है? The word is semi. सेमी मतलब होता है हाफ क्लियर हाफ मतलब ये हो गया दिस सेमीकंडक्टर दैट प्लेइंग द रोल ऑफ कंडक्टर एट सम टाइम इट प्ले द रोल ऑफ इंसुलेटर मतलब ठीक है सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि सेमीकंडक्टर में आपका समटाइम द चार्ज मूव फ्रीली द चार्ज मूव फ्रीली एट सम टाइम द इंसुलेटर का फंक्शन करेगा इट मीन द चार्ज डू नॉट मूव फ्रीली क्लियर तो इसमें क्या होगा कि सेमीकंडक्टर के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें दैट इज ब्रीफली अगर इसके बारे में स्टडी करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे कि हाउ इट वर्क्स द कंडक्टर रोल प्ले करता है एंड हाउ इट प्ले द रोल ऑफ इंसुलेटर क्लियर कंडक्टर में द एग्जाम्पल हमने बात किया था एग्जाम्पल है इसका दैट इज द कॉपर एल्यूमिनियम दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द कंडक्टर एंड अबाउट द इंसुलेटर इंसुलेटर में आपका क्या आ जाए गुड्स ठीक है ना एंड ऑल्सो द रबर ठीक है ना तो दिस रबर्स एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में आपका हम इसको स्टडी करेंगे किसके जिस सेमीकंडक्टर्स एक्सेप्ट हम सेमीकंडक्टर है इसे टू टाइप में हम डिवाइड करेंगे मतलब इसका मेनली डिवाइड होगा पी टाइप फेस पर एंड आल्सो द एन टाइप फेस पर तो हम इसे ब्रीफली स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर को फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसमें कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को अगर हम और अच्छे से समझने की कोशिश करें अकॉर्डिंग टू द बैंड के ठीक है ना तो दैट इज बैंड बैंड मतलब क्या होगा आपका द वन साइड ऑफ द बैंड ठीक है ना एंड अनदर साइड जो आपका क्या होगा सपोज करिए कि मैं बात करता हूँ इस टाइप पर कंडक्टर इसकी बात करते हैं हम कंडक्टर तो इस कंडक्टर है This one has what? This is
इन बिटवीन द कंडक्शन बैंड, ठीक है ना, दिस इज द कंडक्शन बैंड एंड दिस इज द वैलेंस बैंड, क्लियर। तो दोनों कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इन बिटवीन दैट गैप, क्या बोल होना चाहिए इसमें, गैप होना चाहिए, बट ये इज कोई गैप नहीं है इसमें, और गैप बिल्कुल क्या हुआ, बिल्कुल नियर बाई बिल्कुल सटी हुई है इसमें। तो इट मीन दैट कि दिस एक्ट एज ए कंडक्टर, किसके लिए काम कर रहा है, एक तरीके से कंडक्टर का। और अगर इसमें सपोज करिए कि ये बैंड हो, है ना, तो बिल्कुल ना के बराबर होता है बिल्कुल, क्लियर। तो दिस आपके जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी दैट टाइम, कौन सा टाइम आपका, जब इसमें चार्ज मूव करता है, क्या होगा इसमें, जब चार्ज मूव करेगा इसमें, तो ये इस कि वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी फ्री होगा एंड इट विल गोज टू द कंडक्शन बैंड। तो इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करेगी तो चार्ज भी क्या आएगा उसमें, पॉजिटिव, मतलब फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, मूव करना। इट इज अबाउट द कंडक्टर, ठीक है ना, कंडक्शन। अबाउट सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर हम बाद में बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, हियर इज दैट दिस इज द बैंड ऑफ, क्या है आपका, कंडक्शन बैंड। व्हाट इज दिस कंडक्शन बैंड, जो कि इस टाइम बिल्कुल क्या है, एम्प्टी है, दैट इज एम्प्टी। एंड हियर इज अनदर बैंड व्हिच इज नेम इज वैलेंस बैंड, कौन क्या है इसमें, वैलेंस बैंड। एंड दिस वैलेंस बैंड जो है किससे भरा हुआ है, आपके इलेक्ट्रॉन्स फुल है, किससे फुल है, आपके इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होगा कि आपका जो सेमीकंडक्टर है सम टाइम इट एक्ट, ठीक है ना, सम टाइम क्या एक्ट करता है, ये कंडक्शन का काम करता है, और सम टाइम क्या करता है, ये इंसुलेटर भी काम करता है, क्लियर। तो ये क्यों ये इंसुलेटर का काम करता है, कौन सा टाइम ऐसे आता है इंसुलेटर का काम करता है, और कौन सा ऐसा टाइम आता है जिसमें आपका ये कंडक्शन का काम करता है, क्लियर, कंडक्शन एंड इंसुलेटर का। देखिए बेसिकली अगर हम सेमीकंडक्टर को समझे तो इट इज टू टाइप, ठीक है ना, एक होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, क्लियर। एंड व्हाई दिस एक्सट्रिंसिक और व्हाई एक्सट्रिंसिक, क्लियर। इंट्रिंसिक मतलब होता है आपका कि इसमें जो है प्योर सिलिकॉन का, है ना, एटम होता है, ये मटेरियल होता है प्योर सिलिकॉन का, ठीक है, इसमें प्योर जो सिलिकॉन का जो मटेरियल होगा उसके फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग उसको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इसमें टेट्रावेलेंट एटम होगा, कौन सा एटम होगा, टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट मतलब फोर एटम इन ईच सिलिकॉन के, आपके सिलिकॉन के जो मटेरियल है, ठीक है ना, इंटरनली अगर हम उसे सेक्शन वाइज देखें तो उसके जो बॉन्डिंग पार्टिकल्स है उसमें आपका जो एटम होगा वो आपके क्या होगा, फोर एटम्स होगा, दैट इज क्या, दैट इज कॉल्ड टेट्रा वैलेंट, ठीक है। एंड अबाउट द एक्सट्रिंसिक की बात करें, एक्सट्रिंसिक मतलब क्या होता है, एक्सट्रिंसिक में हमें ऐड करना पड़ता है, क्या चीज ऐड करना पड़ेगा, इम्प्यूरिटीज, व्हाट वी विल ऐड हियर, इम्प्यूरिटी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसे हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक के बारे में डिटेल में। फिलहाल हम स्टडी कर रहे हैं कि ये बैंड के अकॉर्डिंग ये तीन कैसे होते हैं, तीन टाइप के कैसे होते हैं, नेम, क्लियर। तो इसमें क्या होगा, जो ये वैलेंस बैंड में आपके जो फुल इलेक्ट्रॉन्स जो फिलअप है, क्लियर, इसमें जब इसमें टेम्परेचर राइज किया जाता है, क्या होगा इसमें टेम्परेचर दिया जाता है, कितना टेम्परेचर, ये वन इलेक्ट्रोवोल्ट दिया जाएगा, यानी कि इसकी इंट्रिंसिक जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर में अगर लेके बात करें तो ये अगर इंक्रीज होता है अबोव द वन इलेक्ट्रोवोल्ट तब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करना स्टार्ट होगा, यानी कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर इलेक्ट्रॉन मूव करेगी, गमन करेगी, ठीक है, व्हेन विल मूव, व्हेन मूव, जब इसमें वन इलेक्ट्रोवोल्ट इसका टेम्परेचर आइज होगा, क्लियर।
ना, तो it will free हो गया and conduction band में आपके electrons हो गया, तो इस तरीके से charge में move करना हो गया, start हो गया, तो that is called जब move होगा, तो that is called conduction. इलेक्ट्रॉन जब वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इंक्रीज होता है, रूम टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि थर्मल एजिटेशन होगा, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना स्टार्ट करता है. और जब मूव करेगा कितने आपके वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने के बाद, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन. अगर इसमें इट्स विल बी लेस देन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इट विल बी क्या होगा, ये कंडक्शन नहीं करेगा. क्या नहीं करेगा, कंडक्शन नहीं करेगा. जब कंडक्शन होगा नहीं, तो दैट टाइम इट एक इंसुलेशन का काम करता है. क्लियर. नाउ अनदर टॉपिक इज इंसुलेटर, अबाउट द इंसुलेटर. इंसुलेटर, इस इंसुलेटर में क्या होगा कि द बैंड, ठीक है ना, इसको मैं रब कर देता हूं. इसमें क्या होगा आपका एक्सट्रिंसिक, इंसुलेटर जो है आपका कौन सा इंसुलेटर, इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि द बैंड ऑफ वैलेंस जो कि फिल है, किसे फिल किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, एंड द बैंड ऑफ कंडक्शन जो कि एम्प्टी है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है, दैट इज कि जो स्पेस होगा इन बिटवीन दिस, जब तक इसमें 9 इलेक्ट्रोवोल्ट है ना थर्मल एजिटेशन नहीं होगा, ठीक है ना, तब तक इसमें वैलेंस बैंड से आपका कंडक्शन बैंड की ओर है ना, कंडक्शन बैंड की ओर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा. तो here is energy required, how much, 9 electro volt. It means the space of किसके बीच, valence band, conduction band, and here is also valence conduction, but here is the no gap here. Here is small gap जिसमें 1 electro volt required हुआ, किसमें, semiconductor में, इसलिए दोनों role play कर सकता है, conduction और insulator का. insulator में क्या होगा, 9 electro volt required होगा. The valence band से आपका conduction band जो electron move नहीं कर पाएगी, इसलिए that act as a insulator. This was according to band theory. Clear? Now हम इसे detail में पढ़ते हैं कि conductor क्या है, insulator क्या है और semiconductor क्या है. Clear? हमने सिर्फ अभी एक स्मॉल डेफिनेशन देखा कि कंडक्टर क्या था. कंडक्टर था एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें आपका जो चार्ज है, कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मूव कर सकता है फ्री. द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट कैन मूव फ्री, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर. द सब्सटेंस इन विच द इलेक्ट्रिक चार्ज डू नॉट मूव फ्री, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर. सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर दैट वुड प्ले द रोल ऑफ इंसुलेशन एंड कंडक्शन, एंड सब अकॉर्डिंग टू कंडक्शन दैट टाइम फ्रीली मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सम टाइम इट द चार्ज डू नॉट मूव. क्लियर. तो ये आपका सेमीकंडक्टर का काम करता है. क्लियर. अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी देयर इज नो गैप इन बिटवीन द कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में, ये आपके क्या है, कंडक्टर है. क्लियर. जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली मूव कर सकता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी मूव, ठीक है ना. नाउ सेमीकंडक्टर की बात करते हैं. सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जो आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर जो इलेक्ट्रॉन है उसको मूव करने के लिए थर्मल एजिटेशन रिक्वायर्ड होगा. जब तक उसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा उसमें थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड अप टू होता है, उससे ज्यादा होता है, मोर होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तब इसमें क्या होगा, कंडक्शन होगा. अगर इसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसकी थर्मल एनर्जी जो है लेस होता है, तो दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर. क्लियर. एंड अबाउट द इंसुलेटर, हियर इज वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड की ओर आपके इलेक्ट्रॉन मूविंग होने के लिए
9 इलेक्ट्रोवोल्ट रिक्वायर्ड होगा दैट्स, ठीक है ना, जो कि एक बहुत बड़ा गैप है, इसीलिए यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से इसको कहते हैं इंसुलेटर। और इसका वेरी बिग एग्जांपल इज अबाउट द रबर कंडक्टर का, जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें फ्लो हो सकता है, जैसे कॉपर एल्युमिनियम की तार ये सारी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक लाइट लगी होती है, दैट इज एक्ट एज ए कंडक्टर। और जो तार होती है उसके ऊपर में जो रबर लगी हुई होती है, दैट इज इंसुलेटर। क्लियर? एंड अगर मैं सेमी कंडक्टर के लिए एग्जाम्पल दूँ, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कंप्यूटर सिस्टम में जो प्लेटी लगी हुई होती है, उसमें क्या होगा, जिस टाइम जब तक उसमें आप, ठीक है ना, उसकी एनर्जी बढ़ाने की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करेंगे और आप उसे एक्ट नहीं करोगे, तब तक उसमें क्या होगा, कंडक्शन नहीं होगा, तो हीटिंग होगा, हीटिंग होगा तो एक्ट करने लगता है, अगर हीटिंग नहीं होगा उसमें तो वो इस तरीके से इंसुलेटर पे काम करता है। क्लियर? दिस इज अबाउट कंडक्शन इंसुलेटर, अबाउट कंडक्टर, ठीक है ना। कंडक्टर में क्या होगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन लेवल्स आर पार्शियली फिल्ड। ठीक है, अगर हम एक कॉपर की तार लेते हैं, उस कॉपर को हम एच, ठीक है ना, उसका सेक्शन करते हैं, तो अगर हम उसमें जो उस सेक्शन करने के बाद उसके एटम्स की अगर हम देखें, तो दीज एटम्स है ना, दैट इज क्लोजली क्या होगा, एक दूसरे से बिल्कुल अटैच होगा, ठीक है ना, और ये जितने भी हैं इसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करता है, साझा करता है, इट मीन्स कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाएगा इसमें, कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है और सभी के इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा आपका, है ना, सभी क्या होगा, टेट्रावेलेंट होगा। तो टेट्रावेलेंट होने के बाद में आपका जितने भी, सपोज करिए कि मैं ग्रुप बना रहा हूँ एंड दिस वन इज दैट, ठीक है ना, दिस इज क्लोजली अटैच्ड विद दिस, तो इसमें क्या होगा, हियर इज वन इलेक्ट्रॉन ऑफ हियर एंड हियर इज वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ हो गए दो, यहाँ हो गए दो, कितने हो गए इसमें, इस अगर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ये एक दो आपके इसमें तीन और ये कितने हो गए आपके चार, तो इसमें क्या हो गया, इसमें चार इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। हियर इज ऑल्सो हम अगर दूसरी उसकी बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसका है, ये एक इसका हो गया, एक इसी तरीके से इसका हो गया, एक इसका हो गया, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स में, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक तरीके से साझा करता है, कोवलेंट बैंड बनाता है। क्लियर? इसमें क्या होगा, जैसे ही इसमें हीट दिया जाता है, इट मीन दैट कि चार्ज मूव करते हैं, जब चार्ज मूव होगा तो क्या होगा, हियर इज कि इसमें मूव कैसे करते हैं, देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, सपोज करिए कि चार्ज मूव हो रहा है, तो ये कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, थर्मल एनर्जी एजिटेशन की वजह से ये वैलेंस जो बैंड है, दिस इज द बैंड ऑफ वैलेंस, ये कहाँ चला जाता है आपके, कोवलेंट बैंड पर चला जाता है, कहाँ चला जाता है, कोवलेंट बैंड पर। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ पर एम्प्टी हो गया, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, ये एम्प्टी हो गया, तो दैट इज कॉल्ड होल, दैट इज कॉल्ड होल, और ये आपका फ्री हो गया, तो दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या कहेंगे इसको हम, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से आपका जो नियर बाय एक दूसरे से जो एटम्स है, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है नियरली अटैच होता है, इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए, तो क्या होगा आपकी दिस इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करने के लिए स्टार्ट हो गया, और ये आपका जो होल हो गया एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है, तो एक तरीके से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज करेगा, पॉजिटिव चार्ज कर रहा है और ये आपका नेगेटिव चार्ज, इट मींस इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर? तो सेमी जो कंडक्टर होता है, इसमें ये जो एटम में जो मटेरियल में जो आपके एटम है ना, उसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोजली होगा आपका, और पार्शियली ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है फील्ड होता है, और यही इलेक्ट्रॉन्स है फ्रीली मूव करता है। क्लियर? दिस कैन मूविंग द फ्रीली। यहां पर फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम देखें, गैप के अकॉर्डिंग, तो
ये आपके क्या था इन केस ऑफ दैट सेमीकंडक्टर, ये आपके किस में था फॉर्मिनेंट गैप, ज्यादा इसमें था इंसुलेटर में, बट इन केस ऑफ द कंडक्टर इसमें कोई ऑर्बिटल गैप नहीं होता, इसका मतलब ये बिल्कुल क्लोजली होता है, क्लोज होता है, इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली। क्लियर, इसमें बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं कॉपर, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, यहां पर एल्यूमिनियम, ठीक है ना, ये ज्यादा एग्जांपल ऑफ द इसका कंडक्टर था। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक जो होगा इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन है ये एक तरीके से कंडक्टर में जो इस तरीके से जो कॉपर सिल्वर एल्यूमिनियम के जो मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैन बी मूव इजीली, तो एक तरीके से गुड कंडक्शन का काम करता है आपका कॉपर सिल्वर और एल्यूमिनियम वगैरह। क्लियर, नाउ नेक्स्ट वन इज दैट द इंसुलेटर, इंसुलेटर में जो फॉर्बिडन गैप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, फॉर्बिडन गैप की बात करते हैं, वो उसमें ज्यादा होता है, इसमें ज्यादा होता है आपके इंसुलेटर में, इसमें इंसुलेटर, इंसुलेटर, इस इंसुलेटर में जो फॉर्बिडन गैप होता है वो ज्यादा होता है, तो हियर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मोर देन 90 इलेक्ट्रोवोल्ट, क्या चाहिए होता है इसमें 90 इलेक्ट्रोवोल्ट रिक्वायर्ड होता है, लार्ज इसमें इन बिटवीन द फॉर्बिडन, ये जो गैप होता है उसको बोलते हैं हम गैप कह रहे हो या जोन कह सकते हैं, फॉर्बिडन जोन या गैप। क्लियर, तो ये जो इंसुलेटर में फॉर्बिडन जो गैप है वो लार्ज होता है ग्रेटर देन 99 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अनेबल रहेगा मूव करने के लिए कहां वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो हियर इज द वैलेंस बैंड, ठीक है, और ये आपका कंडक्शन बैंड, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है कहां पर वैलेंस बैंड में, ये कैसे रहेगा अनेबल होगा किसके लिए मूव करने के लिए, तो एक तरीके से इसमें कंडक्शन नहीं हुआ, तो इसमें कंडक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा कोई चार्ज मूव करेगा, मूव ही नहीं होगी, तो इस तरीके से ये इंसुलेटर का काम करता है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है किसका इंसुलेटर का बेस्ट एग्जांपल है आपका रबर, आप किसी भी चीज को कोटिंग कर दो कवर अप कर दो, एल्यूमिनियम की तार है इस एल्यूमिनियम की तार को आप कोट कर दीजिए, या फिर आप रबड़ जो दस्ताना पहनते हैं हाथ में उसको आप ग्लव्स को ऐसे पकड़िए रबड़ पकड़ पहन करके, जो इलेक्ट्रिसिटी वाले देखा होगा आपने उसको क्या करते हैं होल्ड करते हैं, तो क्या उसमें आप उसको करंट लगता है, करंट नहीं लगता, बट अगर वो हाई वोल्टेज को पकड़ता है तो मे बी द चांसेस, क्यों, क्योंकि वहाँ फॉर्बिडन जोन है ना, फॉर्बिडन गैप हो, और अगर उसमें रीडिंग मोर देन 9 इलेक्ट्रोवोल्ट हो गया तो करंट लगेगा, क्योंकि वहां पर पासिंग ऑफ क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन मूव करने स्टार्ट कर दिया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, तो ये हमें याद रखना है इंसुलेटर के लिए। क्लियर, अब हम बात करते हैं इसकी इंसुलेटर में एक और चीज थोड़ा सा याद रखने के लिए कि सपोज करिए सम टाइम ये जो आपका कॉपर की तार हो गई, ठीक है ना, इसको हमने क्या किया था कोटिंग कर रखा था जिससे रबड़ से, ठीक है, और सम टाइम क्या हुआ ये जो रबड़ की जो कोटिंग कर रखा है आपने ये ब्रेक डाउन हो गया, क्या हो गया ब्रेक डाउन, टूट गया ये, जैसे पुरानी हो जाती है तार तो टूट जाती है ऊपर से, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा जितने भी हम अप्लाई वोल्टेज देंगे यहाँ पर क्या करेंगे हम जो अप्लाई करेंगे वोल्टेज इसमें इस कॉपर की तार में, तो डेफिनेटली क्या होगा यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि इलेक्ट्रॉन है एक तो क्या होगा जो जितना मूव कर रहा है वो उतना स्लो हो जाएगा, जहां तार कटती है आपने नोटिस किया होगा जो बांधते हैं उसकी अपेक्षा, क्योंकि वो जैसी गांठ पड़ती है वहां पर तो उसको क्या होता है उसमें ट्रांसफर होने के लिए टाइम लगता है, और जिसमें तार कटी नहीं होती है वो सीधा ही क्या करता है आगे बढ़ जाता है कंडक्ट होता है, तो इसी तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ब्रेकडाउन डिपेंड्स ऑन अप्लाइड वोल्टेज द थिकनेस ऑफ द मटेरियल एंड एक्सरे में जो एक्सरे होता है इसी वजह से जो जितनी भी तारें लगती हैं चाहे वो एल्यूमिनियम का हो तो वो एल्यूमिनियम की जो तारें होती है उसको थिक रबर
रखा जाता है, वरना यहाँ पर जो है एक्सरे में फ्लक्चुएशन एज वेल एज रिवर्स आपके इलेक्ट्रिसिटी होने के चांसेस ज्यादा रहता है, इसीलिए क्लियर। तो इसको क्या करेंगे, ठीक आपके वायर उसको कवर करके रखता रहता है, ठीक है ना। एंड नाउ अबाउट द सेमीकंडक्टर, अबाउट सेमीकंडक्टर, तो व्हाट इज द सेमीकंडक्टर। नाउ अनदर टॉपिक इज दैट सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर में अकॉर्डिंग टू द फॉरबिडन गैप के अकॉर्डिंग अगर हम नोटिस करें तो दिस इज द कंडक्शन बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज द फॉरबिडन जोन और फॉरबिडन गैप एंड दिस इज द वैलेंस बैंड, क्लियर। तो इसमें क्या होगा सेमीकंडक्टर में जो अकॉर्डिंग टू द बैंड के अकॉर्डिंग कि जो स्पेस होता है फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन जोन का ये कितना होता है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, क्लियर। देखिए सेमीकंडक्टर का काम कौन से टाइप के होता है और सेमीकंडक्टर का काम कौन से टाइप नहीं होता ये हमें समझना है। इसमें क्या होगा कि जो सेमीकंडक्टर के बाद जो फॉरबिडन जोन 1 इलेक्ट्रोवोल्ट है, इसमें जब इसको हम एक रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, ठीक है ना, सब चीज कि हम इसे क्या किया रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो फॉरबिडन गैप का जो इलेक्ट्रोवोल्ट है एनर्जी है अगर उसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीज होने पे ही आपका ये इंसुलेटर और कंडक्शन का फंक्शन करता है। सपोज करिए कि यहाँ पर एनर्जी लेस है इतने से 1 इलेक्ट्रोवोल्ट से, क्लियर लेस है, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस बैंड में है दैट वी डू नॉट मूव और डू नॉट ट्रेवल कहाँ पर फॉरबिडन गैप पर ट्रेवल नहीं करेगा। जब यहाँ पर ट्रेवल नहीं कर रहा है ये एक्साइटेड ही नहीं हुआ थर्मल एनर्जी ही नहीं हुई तो उस टाइम दिस टाइम इज एक्ट एज अ क्या करता है इंसुलेटर, किसका काम कर रही है इंसुलेटर का। एंड सम टाइम ये इसका बेस्ट एग्जांपल है फॉस्फोरस सिलिकॉन, ठीक है ना, दिस फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन, सॉरी फॉस्फोरस जर्मनी में, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दिस इज द बेस्ट क्या है आपका एग्जांपल है सेमीकंडक्टर का। हम अभी बात कर रहे थे कि इंसुलेटर का काम कब किया इसने, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट थर्मल एनर्जी 1 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम था तब ये इंसुलेटर का फंक्शन किए थे तो ट्रेवल नहीं किया इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, अगर इसमें इट राइजेस यानी कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट से अप हो गया, सपोज करिए कि हमने है ना उस एटम को मटेरियल को हमने एक रूम टेम्परेचर पर रखा, रूम टेम्परेचर की जो हीट है उसके इंटरनल जो है थर्मल एनर्जी मिला यानी कि गर्म हुआ, गर्म होने के बाद में यानी कि जो आपका सेमीकंडक्टर जो मटेरियल था, ठीक है ना, जर्मियम और सिलिकॉन था, ये क्या होगा आपका फॉरबिडन जो फॉरबिडन जोन की ओर क्या होगा इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करता और यानी कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर क्या होगा ट्रेवल करेगा एंड इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड, ठीक है ना, कंडक्शन, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन, क्लियर। जिस टाइम पे आपका 1 इलेक्ट्रोवोल्ट टेम्परेचर थर्मल एनर्जी डिक्रीज था दैट एक्ट एज इंसुलेटर, जिस टाइम पे इसका जो थर्मल एनर्जी यानी कि उसमें ऊर्जा बढ़ने के बाद उसका 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इंक्रीज होने से जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन था दैट मूविंग टू द वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर आपका मूव करने लग गया दैट इज कॉल्ड कंडक्शन, क्लियर। इसमें क्या होगा कि इसके लिए एक सफिशियंट इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होगा, क्या होगा सफिशियंट इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा अकॉर्डिंग टू द हीट जितना मिला उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, बट एक लिमिटेड वे पे होगा। जैसे ही इसमें थर्मल एनर्जी इंक्रीज होता है यानी कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट से भी और इंक्रीज होता है ज्यादा बढ़ता है तो उस
उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और इसमें जो इंटरनली जो इस तरीके से एक्शन हो रहा है इसका कंडक्शन का, दैट है ना, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कंडक्शन, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कंडक्शन। और जो इंट्रिंसिक कंडक्शन होता है ये एक तरीके से प्योर मटेरियल होता है, क्या होगा ये प्योर मैटर, ठीक है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है सिलिकॉन, दैट इज द टेट्रा वैलेंट एटम्स इसमें पार्टिसिपेट करता है, क्या होता है इसमें टेट्रा वैलेंट एटम जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है, दैट इज द प्योर मटेरियल, इट इज द इंट्रिंसिक कंडक्शन, क्या कहते हैं इसको हम इंट्रिंसिक। अगर हम इसको अलग मटेरियल बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए इसमें ऑल टाइम जो है हीट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, थर्मल एनर्जी देना पड़ेगा, तब इसमें ये कंडक्शन होगा, तो ये क्या होगा इंट्रिंसिक हुआ, जो कि प्योर मटेरियल सिलिकॉन में ये हो रहा है, ठीक है ना, और जिसमें एटम क्या होगा टेट्रावेलेंट है। लेकिन अगर हम इसे बार 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 जो है थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करें, तब अगर हम इसे एडिंग करते हैं यानी कि डॉपिंग करते हैं, यानी कि इम्प्यूरिटी एड करते हैं, सपोज करिए कि हमने सिलिकॉन लिया और सिलिकॉन की जो मटेरियल है वो सिलिकॉन के मटेरियल में हमने इम्प्यूरिटी ऐड की है, क्या किया हमने इम्प्यूरिटी ऐड कर दी, दिस इज द सिलिकॉन, दिस सिलिकॉन हैज है ना डॉपिंग कर रहे हैं ना, डॉपिंग मतलब होता है जब हम इसमें क्या करते हैं एक एक्स्ट्रा जो रॉ मटेरियल है यानी कि इम्प्यूरिटी है ऐड कर रहे हैं, इम्प्यूरिटी ऐड किया, तो दिस इज कॉल्ड डॉपिंग, क्लियर। तो हमने क्या किया सिलिकॉन में इंप्यूरिटी ऐड करते हैं, तो इंप्यूरिटी जो ऐड करते हैं दैट इज टू टाइप इंप्यूरिटी ऐड किया जाता है इसमें, दैट इज द टेट्रा सॉरी ट्राइवेलेंट एंड अनदर इज दैट द पेंटा वेलेंट इंप्यूरिटी, ठीक है ना, इंप्योर मतलब अशुद्धता यानी कि शुद्ध नहीं होगा वो, इंप्योर है वो, तो इंप्यूरिटी ऐड किया हमने सिलिकॉन प्योर मटेरियल में हमने ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, क्लियर। तो ट्राइवेलेंट के लिए हम क्या इंप्यूरिटी ऐड करेंगे और आपके पेंटावेलेंट के लिए क्या इंप्यूरिटी ऐड किया जाता है, ये देखिए जो ट्राइवेलेंट होगा ठीक है ना, जिसको हम पी टाइप भी कहते हैं, उसमें हम बोरॉन ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं हम बोरॉन, क्लियर। और जो एन टाइप होता है जो पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी है सच एज, उसमें हम ऐड करते हैं फास्फोरस, क्या ऐड करते हैं हम उसमें फास्फोरस या फिर आर्सेनिक या आर्सेनिक, और ठीक है। तो हमने सेमीकंडक्टर को और एक्सट्रिंसिक कंडीशन बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले इंट्रिंसिक प्योर था इंटरनली उसमें हुआ, हमने इंप्यूरिटी डाला तो उसमें क्या हुआ एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक क्या हुआ सेमीकंडक्टर का काम कर रहे हैं, जिसमें हमने दो इंप्यूरिटी डाला था ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, तो हमने जो इंप्यूरिटी ऐड करने की जो प्रक्रिया है दैट इज कॉल्ड डॉपिंग, ठीक है। ये जो है रेशियो जो है 1:10^6 मिला करके आपका क्या करते हैं क्या बनाया जाता है सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक का, बेटर थिंग अगर आपको मैं ऐसा सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर हैज डिवाइडेड इनटू इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, तो एक्सट्रिंसिक में क्या हुआ डॉपिंग हुआ, क्या हुआ डॉपिंग हुआ, जो कि क्या है इम्प्योर है ना, इम्प्योरिटी है, ये क्या है आपका प्योर मटेरियल, क्या है आपका प्योर मटेरियल, इस प्योर मटेरियल में क्या है आपका सिलिकॉन है, क्या यूज कर रहे हैं हम इसमें सिलिकॉन यूज किया है। अब एक्सट्रिंसिक में हमने तो इम्प्योर मटेरियल यूज किया है, और उस इम्प्योर मटेरियल में अकॉर्डिंग टू इम्प्योर मटेरियल जो आपका ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट के अकॉर्डिंग दो भाग मतलब डिविजन कर लेंगे उसको, एक होता है आपका पी टाइप और एक होता है आपका एन टाइप, तो पी टाइप है इसमें आपका टेट्रा वैलेंट इंप्यूरिटी ऐड किया जाता है
एन टाइप में पेंटा वैलेंट इंप्यूरिटी ऐड किया जाता है। क्लियर, इतने समझ आ गया आपको ना कि पी टाइप टेट्रावेलेंट और एन टाइप टेट्रावेलेंट क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। रेशियो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रेशियो हम बात कर रहे थे कि 1:10^6 होता है, तो 10^ मतलब 1,000,000 हो गया आपके, ठीक है ना। क्या हो गया आपका, ये सिलिकॉन, दैट इज द सिलिकॉन, और ये 1:1 जो है, 1 जो है आपका, वो आपका इम्प्योरिटी होगी। तो 1% चेंज ही 1,000,000 में 1% ही आपका क्या डालते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जो कि पेंटावेलेंट हो सकता है और टेट्रावेलेंट हो सकता है, सॉरी ट्राईवेलेंट हो सकता है, ट्राईवेलेंट, टेट्रावेलेंट में इसका एग्जैक्ट ऑल क्लियर, टेट्रावेलेंट तो आपका यहाँ है, टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट आपका प्योरिटी में होता है, जो प्योर होता है आपका सिलिकॉन, उसमें टेट्रावेलेंट आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, एटम्स होगा, पी में आपका ट्राईवेलेंट होगा। ना हम इसमें क्या नाम है आपका, पी टाइप और एन टाइप जो है आपका सेमीकंडक्टर क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर, तो व्हाट इज अबाउट द, देखिए पी टाइप और एन टाइप को समझने के लिए पी एंड एन टाइप, पी और एन टाइप को समझने के लिए हमें जो एक्सट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक के अंदर आपके दो टाइप थे आपके, पी टाइप और एन टाइप, जो इम्प्यूरिटी ऐड किए थे, ट्राई और पेंटा, ठीक है। ये है आपका टेट्रावेलेंट की बात कर रहे थे, जो कि प्योर सिलिकॉन है। तो प्योर सिलिकॉन में पहला हम समझने की कोशिश करेंगे कि भी जो उसका जो मटेरियल है, उसमें जो एटम है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो किस तरीके से होल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू बैंड इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये मूविंग जो हो रहा है स्पेस के बाद, ठीक है, दिस इज द कंडक्शन बैंड एंड दिस इज द वैलेंस बैंड एंड दिस इज द ऑर्बिटल गैप और जोन। क्लियर, तो ये इज दैट जो आपको सर्कल दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपके, गोला गोला जो सर्कल है, दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड एंड दिस इज स्पेस, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। अब इसमें जो प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर आपका सिलिकॉन जो तो मटेरियल है, उसमें जब वो टेट्रावेलेंट है, जिसका पूरा एटम हर एक इलेक्ट्रॉन से फिल अप है, देखिए हियर इज 1, 2 है, इसमें सबके क्या है, 2 है ना, आई साइड एंड हियर इज दैट, तो सब में क्या होगा, 4, कितने हो गए, 4 हो गए आपके, 2 and 2, 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
फर्स्ट ऑफ ऑल इस के बारे में बात करते हैं, क्लियर। इसमें क्या होगा कि इसके चार आपके इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, कितने होना चाहिए, चार इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अदर साइड के भी आपके क्या होना चाहिए, चार, जितने भी है सबके चार चार होता है। लेकिन इसमें जब कोवलेंट बैंड बनाता है, बॉन्ड बनाता है, ये अलग अलग एटम, अलग अलग एटम कोवलेंट जब बैंड बनाता है तो उसको सहसंयोजक बंध बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। क्या चाहिए होगा, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका हो गया, लेकिन अदर इलेक्ट्रॉन क्या है, अदर जो एटम था उसका मिल गया, तो ये कोवलेंट बॉन्ड यहां बन गई। वैसे ही क्या हुआ, अदर साइड इलेक्ट्रॉन इसके अकॉर्डिंग इसके साथ अटैच है, तो एक इलेक्ट्रॉन किसका हो गया, ये इसका हो गया, एंड अनदर इसका हो गया, तो यहां पर कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इसी तरीके से जितने भी नाइन बोरिंग रीजन है जो पड़ोसी है उसके साथ कोवलेंट बैंड बना करके जो इलेक्ट्रॉन है उसको ट्रांसफरिंग करता है। लेकिन कब, जब तक इसमें थर्मल एनर्जी ना हो, उष्मीय ऊर्जा ना हो। उष्मीय ऊर्जा होगा तो एक्साइटेड होगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होगा। देखिए कैसे होता है, सपोज करिए इसने क्या दिया, थर्मल एनर्जी दिया। क्या दिया हमने, थर्मल एनर्जी दिया।
गर्मी दिया, इसमें हीट दिया इलेक्ट्रॉन मूव करवाने के लिए, लाइट ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है ना, लाइट आया सपोज, तो उसमें क्या होगा, एक्साइटेड हुआ, जब एक्साइटेड होगा तो उस कंडीशन में जो वैलेंस बैंड यानी कि जो अराउंडिंग रीजन है उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, सपोज करिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो गया और ये कहां चला गया, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड चला गया, यहां से कंडक्शन बैंड चला गया, क्लियर। अभी कंडक्शन बैंड में चला गया तो एक तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इसको कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये कहीं किस ट्रेवल कर सकता है, जब ये ट्रेवल करेगा तो चार्ज भी मूव होगा, क्लियर। एंड जहां से ये एक इलेक्ट्रॉन खाली हुआ है, एम्प्टी हुआ है, दैट इज कॉल्ड होल, होल मतलब गड्ढा, मतलब स्पेस, ठीक है ना। एंड दीज बोथ थिंग्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन और आपके होल दोनों हैं, वो दोनों चार्ज कैरियर का काम करता है। चार्ज कैरियर का काम कैसे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मूव करेगा, जहां पर एम्प्टी होगा, खाली होगा, होल होगा, उसमें जाकर फिलअप होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, एक तरीके से गिवन का काम करता है ना, दान का काम करता है, मूव करेगा, और ये होल जो है वो ग्राही कहलाएगा, एक तरीके से ये एक्सेप्ट करेगा, किसको एक्सेप्ट कर रहा है, ये किसको, इलेक्ट्रॉन को, और ये किसका काम कर रहा है, डोनर का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से, तो इस तरीके से चार्ज क्या होगा, मूव करेगी, और चार्ज मूव होगा तो एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, क्लियर। ये तो आपका किसकी बात कर रहे थे हम, इंट्रिंसिक की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम, इंट्रिंसिक फैक्टर की बात कर रहे थे, इंट्रिंसिक मटेरियल की बात कर रहे थे हम, जो प्योर सिलिकॉन में था। अब अगर हमने इंप्यूरिटी ऐड किया, क्या हमने ऐड किया, इंप्यूरिटी, सपोज करिए हमने इसे पी टाइप बनाया, कौन सा टाइप बनाया, पी टाइप, तो पी टाइप के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्राइवेलेंट, है ना, एटम यानी कि इंप्यूरिटी ऐड करेंगे, जिसमें हमने क्या लिया था, बोरॉन, क्या लिया था हमने, बोरॉन। अब इसमें क्या होगा, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गया जो कोवलेंट बना रहा है, बट हियर इज वन इज दैट कि ट्राइवेलेंट होने की वजह से एक खाली रहता है, ठीक है, इट मींस दैट दिस इज द बोरॉन एंड दिस इज सिलिकॉन, 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 ठीक है ना। अब जो बॉन्ड बना रहा है इसमें क्या होगा, हियर इज इसका एक और इसका एक, दो बन गया यहां, आइट साइड भी बना देता हूँ क्योंकि नियर बाई ही होगा, यहाँ पर हियर इज दो बन गया, यहाँ पे कोवलेंट बन बॉन्ड बन गए, आठ होना चाहिए, टेट्रावेलेंट होना चाहिए सभी के, हियर इज ऑल्सो, हियर इज ऑल्सो, बट वन चीज जो हमको समझना है, इसमें दो तो ये बन गया आपकी, इसमें टू यहाँ हो गया, ठीक है, दो यहाँ हो गया, क्लियर। अब यहां पर एक खाली है, क्या ये हो गया, खाली, यानी कि ट्राइवेलेंट ऐड करने से एक खाली रह गया, यानी कि किसका काम कर रहे हैं, होल हो गए इसे, क्या हो गए, होल, एक तरीके से क्या काम करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, यानी कि कहीं से भी अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहा होगा, घूम रहा होगा, उसको ये कैच कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो दिस इज अबाउट द पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो एक तरीके से इसमें भी मूव हो गया चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं से मूव करता हुआ वहां तक अटैच तो हो गया ना, होल पे आएगी, तो चार्ज क्या हुआ, मूव हो गया और इसने एक्सेप्ट कर लिया, और ये एक्सेप्ट करेगा तो नियर बाय जितना होगा उसको एक्साइटेड करके इसको एम्प्टी कर देगा, खाली कर देगा, फिर उसी तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन आएगी वहां एक्सेप्ट होगा, तो इस तरीके से चार्ज मूव करता चला जाता है इसमें, और जितने भी ये प्रोसेस होगा न्यूट्रल होगा, क्या होगा, होगा न्यूट्रल, इसमें तो थर्मल एनर्जी की देने की जरूरत पड़ रही थी इंट्रिंसिक में, जब तक हीट नहीं होगा तब तक ये आपके इलेक्ट्रॉन्स
डोनर और होल का काम नहीं कर रहा था एक्सेप्टर का, बट ये जैसे हमने इंप्यूरिटी ऐड किया ये नेचुरली अपने आप ही ये फंक्शन करेगा। क्लियर? वैसे ही आपका आता है किसके बारे में, ये हो गया आपके पीटाई, पीटाई को हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा। पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। एन टाइप में क्या होगा, एन टाइप में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉस्फोरस डालते हैं या आर्सेनिक डाला जाता है इम्प्योरिटी बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? इम्प्योरिटी बनाने के लिए। इसमें क्या होगा, जितने भी आपके नियर बाय, दिस इज सिलिकॉन, यहां पर हमने क्या ऐड किया था, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। क्लियर इज कि इसमें दो यहां हो गए, टू 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 टू, यानी कि ये तो टेट्रावेलेंट हो गया पूरे, है ना, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है आठ आठ का जो कोवेलेंट बनाता है वो पूरा हो गया इसमें। इसमें लेकिन हमने इंप्योरिटी पेंटावेलेंट का डाला था, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा रहेगा। क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ डोनर और न्यूट्रल करने की तैयार रहेगा हमेशा। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें इसमें क्या होगा कि जो सेमीकंडक्टर, किसमें एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है इसमें जो अमाउंट की बात करते हैं, करियर की बात करते हैं, जो कैरी या चार्ज को कैरी करता है ले जाता है उसकी बात करें तो ये अमाउंट ऑफ किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू होल, होल के मुकाबले इसमें ज्यादा होगा। और यहां पर एन टाइप में होल जो है वो ज्यादा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कम रहेगा। तो इस तरीके से पीएन एन टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज अबाउट द सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। क्लियर?